हेलो डियर स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मल्टी स्टेज एम्पलीफायर क्या होता है और इसकी हमें क्यों ज़रूरत है। बेसिकली क्या होता है कि जब हम किसी भी एम्पलीफायर से जो आउटपुट लेते हैं, किसी भी एम्पलीफायर में जो इनपुट प्रोवाइड करते हैं वो किसी सेंसर या ट्रांसड्यूसर से होता है। फॉर एग्जांपल, माइक्रोफोन से निकला हुआ वीक सिग्नल, तो माइक्रोफोन से निकला हुआ जो वीक सिग्नल होता है वो किसी ना किसी दूसरे सेंसर या ट्रांसड्यूसर को प्रोवाइड करना पड़ता है हमें। अगर वो सिग्नल सफिशियंटली स्ट्रोंग नहीं है तो दूसरा जो सेंसर या ट्रांसड्यूसर है उसको एम्पलीफाई नहीं कर पाएगा। ये एक सिंपल एग्जाम्पल था। इस तरह से दूसरे सेंसर्स और ट्रांसड्यूसर्स, फॉर एग्जांपल लोड सेल, इन सब से निकले हुए जो आउटपुट होते हैं उसको हम एम्पलीफाई करते हैं। तो ये होता है, एक्चुअली ये है कि जो आउटपुट एम्पलीफाई होके मिलता है एक स्टेज या सिंपल कॉमन इमिटर एम्पलीफायर स्टेज से, वो सफिशियंटली स्ट्रोंग नहीं होता है। उस समय हमको क्या करना पड़ता है, और ज्यादा स्टेजेस की जरूरत पड़ती है, एक से ज्यादा स्टेज की जरूरत पड़ती है। तो दो स्टेज को एम्पलीफाई करने के लिए जब हम एक स्टेज को दूसरे स्टेज के साथ कनेक्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को कैस्केडिंग कहा जाता है। एक स्पेशल कंडीशन होती है जिसमें कैस्कोड बोला जाता है, वो हम बाद में बात करेंगे। अभी हम केवल ये जानना चाह रहे हैं कि मल्टी स्टेज एम्पलीफायर क्या होता है। तो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर वो एम्पलीफायर होता है जिसमें एक से ज्यादा स्टेज रिक्वायर्ड गेन को अचीव करने के लिए कनेक्ट की जा रही हो, या कभी कभी ऐसा होता है कि सोर्स के साथ मैच करने के लिए इनपुट इम्पीडेंस और लोड के साथ मैच करने के लिए आउटपुट इम्पीडेंस के लिए भी हमें इस तरह के एम्पलीफायर की जरूरत होती है, इनपुट और आउटपुट में कनेक्ट करने के लिए। जो एम्पलीफिकेशन तो प्रॉपर प्रोवाइड कर रहा है बट सोर्स और लोड के साथ इम्पीडेंस मैच नहीं कर रहा है, तो उस समय हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए हम यहाँ पे मल्टी स्टेज एम्पलीफायर डिजाइन करेंगे। तो दो दो तरह की कंडीशन होती है, व्हेन द एम्पलीफिकेशन व्हेन द एम्पलीफिकेशन ऑफ अ सिंगल स्टेज एम्पलीफायर इज नॉट सफिशियंट। तो एक कंडीशन ये बनती है कि जब एम्पलीफिकेशन जो मिल रहा है सिंगल स्टेज से वो सफिशियंट नहीं है, तो उस कंडीशन में हम सिंगल स्टेज एम्पलीफायर का यूज करते हैं और उसके साथ साथ एक स्टेज और सिंगल स्टेज दूसरी सिंगल स्टेज का यूज कर लेते हैं। दो स्टेज का यूज कर सकते हैं या दो से ज्यादा स्टेज का भी यूज किया जा सकता है उस कंडीशन में। दूसरी कंडीशन है व्हेन इनपुट इम्पीडेंस ऑफ एम्पलीफायर इज नॉट मैच्ड विथ सोर्स। एंड तीसरी कंडीशन बन सकती है यहां पे, व्हेन आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ एम्पलीफायर इज नॉट मैच्ड विथ लोड। तो ये तीन तरह की कंडीशंस हमारे सामने होंगी। ये तीन तरह की कंडीशन के केस में हम यहाँ पे मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का यूज करेंगे। इसमें सिंपल एम्पलीफायर का यूज कर सकते हैं या इनपुट और आउटपुट कंडीशन के लिए डिफरेंट एम्पलीफायर का यूज करेंगे। कॉमन इमीटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जरूरत क्या है कि गेन को बढ़ाना है, इनपुट इम्पीडेंस को सोर्स के साथ मैच कराना, आउटपुट इम्पीडेंस को लोड के साथ मैच कराना। तो ये कंडीशन जब फुलफिल होंगी
तो हम मल्टी स्टेज एम्पलीफायर हमें डिजाइन करना पड़ेगा, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर की जरूरत पड़ेगी। तो देखें कैसे डिजाइन करते हैं, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ सर्किट डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम, और ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में हम देख सकते हैं यहाँ पे कि मैं यहाँ पे दो स्टेज मैंने ड्रॉ कर दिए हैं, यहाँ लोड रेजिस्टेंस या लोड इम्पीडेंस ड्रॉ कर दिया है, और इसके साथ साथ यहाँ सोर्स रेजिस्टेंस और सोर्स इम्पीडेंस ड्रॉ कर दिया है। फॉर एग्जांपल वी एस आर एस, ये फर्स्ट स्टेज का इनपुट वोल्टेज होगा, आर आई वन भी यहाँ पे होगा, ये स्टेज वन हो गया, मैंने स्टेज वन बोल दिया है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेज का आउटपुट वोल्टेज होगा, या सेकंड स्टेज का इनपुट वोल्टेज होगा वी आई टू सेकंड स्टेज, यहाँ पे फर्स्ट स्टेज का आउटपुट वोल्टेज, और ये प्लस माइनस वोल्टेज से दिखा रहा है, यहाँ पे आर एल और यहाँ पे आई एल। तो ये दो स्टेज हो गई है, यहाँ पे दो स्टेज में स्टेज वन और स्टेज टू, फर्स्ट स्टेज का वोल्टेज, फर्स्ट स्टेज का इनपुट वोल्टेज, फर्स्ट स्टेज का आउटपुट वोल्टेज, सेकंड स्टेज का इनपुट वोल्टेज, सेकंड स्टेज का आउटपुट वोल्टेज। जैसा कि हम जानते हैं कि वोल्टेज गेन यहाँ पे ए वी विल बी ए वी ए ओ टू मीन्स आउटपुट वोल्टेज गेन, मैं इसको वी ओ टू या ए वी ओ टू दिखा सकता हूँ, आउटपुट वोल्टेज गेन डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज गेन। ए आई वन दिखाया है मैंने वी ओ टू, अब इसको मैं दो पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ, गेन गेन सॉरी वोल्टेज को दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे, वोल्टेज डिवाइडेड बाय आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज, तो सेकंड स्टेज का आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय फर्स्ट स्टेज का इनपुट वोल्टेज, ये वोल्टेज गेन होगा इस। हाँ तो यहाँ पे देख सकते हैं हम वोल्टेज गेन एम्पलीफायर स्टेज के लिए यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे। अभी मैं यहाँ पे ओवरऑल वोल्टेज गेन की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल वोल्टेज गेन में आउटपुट लोड को और इनपुट सोर्स को कंसीडर नहीं किया है, एम्पलीफायर स्टेज वन और एम्पलीफायर स्टेज टू को कंसीडर कर रहा हूँ। तो वोल्टेज गेन दैट मीन्स वी ओ टू डिवाइडेड बाय वी आई वन, दैट मीन्स आउटपुट सेकंड एम्पलीफायर का आउटपुट और डिवाइडेड बाय फर्स्ट एम्पलीफायर का इनपुट, ये कंसीडर कर रहा हूं। तो इस एक्सप्रेशन को मैं ब्रेक कर सकता हूं दो पार्ट में, ए वी टू अपॉन ए आई टू इंटू ए सॉरी यहाँ पे वी वोल्टेज के टर्म में, यहाँ लिखने जा रहा हूं मैं वोल्टेज के टर्म में वी आई टू, और यहाँ पे इंटू वी आई टू डिवाइडेड बाय वी आई वन। देखिए मैंने इस ये जो स्टेप लिया है, इस स्टेप से एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट मुझे सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो ये वी ओ टू डिवाइडेड बाय वी आई टू, ये क्या है, सेकंड स्टेज का वोल्टेज गेन, और वी आई टू डिवाइडेड बाय वी आई वन, वी आई टू देखें यहां से अगर देखें तो वी आई टू दैट मीन्स वी आई टू इज इक्वल टू वी ओ वन, दोनों इक्वल हैं, तो इसे लिख सकते हैं ए वी टू इंटू वी आई टू को वी ओ वन लिख दिया, तो ए वी वन दैट मीन्स वोल्टेज गेन इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज गेन ऑफ फर्स्ट स्टेज इंटू वोल्टेज गेन ऑफ द सेकंड स्टेज। तो इस तरह से हम मल्टी स्टेज एम्पलीफायर को गेन कर सकते हैं, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर को अचीव कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम जितनी भी स्टेज कनेक्ट करेंगे उस तरह से हमें वोल्टेज गेन मल्टीप्लाई में मिलता जाएगा। तो ये मल्टी स्टेज एम्पलीफायर था, इसमें डिफरेंट टाइप की कॉन्फ़िगरेशन को कनेक्ट करके हम डिफरेंट टाइप के आउटपुट अचीव कर सकते हैं। जैसे अगर केवल आपको एम्पलीफिकेशन चाहिए रहता है, अगर बीजेटी का आप उपयोग कर रहे हैं तो कॉमन इमिटर एम्पलीफायर की डिफरेंट स्टेज को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर इनपुट रेजिस्टेंस को मैच कराना है तो इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस को मैच कराना है, या हाई इनपुट रेजिस्टेंस चाहिए तो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन को यूज कर सकते हैं। करंट के केस में जब करंट गेन की रिक्वायरमेंट होती है तो उस समय डिफरेंट टाइप एम्पलीफायर, वोल्टेज गेन डिफरेंट टाइप एम्पलीफायर का यूज करके कैस्केड एम्पलीफायर हम डिजाइन कर सकते हैं। मल्टी स्टेज एम्पलीफायर मीन्स कैस्केड एम्पलीफायर,
और डिफरेंट टाइप के कनेक्शंस के बेस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं इसको। थैंक यू।